हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो बहुत ही ब्रॉड है, ये साइंस का ही एक पार्ट है। आज इसकी डिटेलिंग करते हैं, इसकी बेसिक्स के बारे में। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोला जाता है। जीव का मतलब होता है लाइव। बायोलॉजी वर्ड की अगर डिटेलिंग करें तो बायोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, और ये दो शब्द से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज द बायोस एंड सेकेंड वन इज द लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, जिसके अंदर भी लाइफ, लाइफ की कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स होने के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्सियसनेस, ये सारी चीजें जो होती हैं, और भी चीजें होती हैं लाइफ, लिविंग थिंग्स होने के ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिक जो चीजें हम जान पाए कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी इज कॉल्ड इन हिंदी जीव विज्ञान। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइव, लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी टर्म आया कहाँ से? बायोलॉजी टर्म जो है दिया गया लेमार ट्रिवेनस ट्रिवेनस के द्वारा 1802 में बायोलॉजी टर्म दिया गया। बायोलॉजी की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स। उसी का ही एक पार्ट है बायोलॉजी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ऑरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग है, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। मतलब कोई लिविंग थिंग्स है, जैसे एक प्लांट है, तो उस प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स का हम, उसके जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजी को भी पढ़ते हैं, उसके एनाटॉमी को भी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी स्टडी करने। तो स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स की स्टडी हो गई। फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है, ओरिजिन कहाँ से आए, एवोल्यूशन एक सिंपल सेल से इतना एडवांस सेल कैसे बन गया, इतने ऑर्गेनिक सिस्टम्स, जो ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बन गए, उनका अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, उसकी स्टडी हम सारा बायोलॉजी के अंडर में करते हैं। सारा जो है बायोलॉजी के अंडर में करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड स्टडी ऑफ सीन। बायोलॉजी में ही हम जीन की स्टडी करते हैं। डीएनए होता है, ये डीएनए जो होता है, ये क्रोमोसोम, इसी डीएनए पे अलग अलग सेगमेंट में जीन होता है, और उस जीन की स्टडी हम करते हैं। और जीन के अगर तक वही अलग अलग करेक्टरिस्टिक, अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है, और प्रोटीन जो है रेगुलेट करता है फंक्शन को।
सेल की स्टडी करते हैं दैट कीप्स लिविंग थिंग्स देयर स्पेसिस करेक्टरिस्टिक्स स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। जीन की स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स देखता है। मीन्स बायोलॉजी के बारे में हम बस बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रोथ ऑरिजिन एवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। बायोलॉजी टर्म लेमार्क टेवेनस के द्वारा दिया गया 1802 में। ये दो शब्द मिल क्या है, बायोस प्लस लोगस, बायो का मतलब लाइफ होता है, लोगस का मतलब स्टडी होता है। दिस इज द बेसिक्स डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो ये दो भाग, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी जो है, जू मतलब होता है जानवर ही होता है। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल की स्टडी करनी है हमको तो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में करेंगे, जूलॉजी। एंड बॉटनी, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर पेड़ पौधों की स्टडी करनी है हमको तो हम बॉटनी के अंतर्गत करेंगे, इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दीज आर द बेसिक डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी बॉटनी। और कुछ कॉमन सी बातें कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। किसी भी अगर चीज की हम शुरुआत करते हैं स्टडी करना या उसके बारे में जानना, तो उसकी बेसिक चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। बेसिक सही रहेगा, बेसिक से हम स्टडी करेंगे तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आते हैं और हमारा जो आगे की टॉपिक होती है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है, जिस वजह से आगे वाला जो पार्ट्स होता है वो भी हमको अच्छे से समझ में आता है। देखिए ये भी पॉइंट्स देख लेते हैं। साइंस के फादर किन को कहा गया, गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ फिजिक्स में जो है किसी एक को एक जो है नहीं दिया गया क्रेडिट, इसमें जो है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन कई साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया। केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लवोजियर को दिया गया। इसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों अरिस्टोटल को दिया गया कहा गया। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, जो कि अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। थियोफ्रेटस जो थे ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल जो है ये बायोलॉजी और जूलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही फादर इनको कहा गया अरिस्टोटल को। और थियोफ्रेटस जो थे ये फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर कहलाए। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लावोजियर, फिजिक्स आइजैक न्यूटन, गैलीलियो अल्बर्ट आइंस्टीन, और फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली। तो ये थी कुछ बेसिक्स बायोलॉजी की। नए वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे जो है जूलॉजी की बेसिक्स पढ़। थैंक यू सो मच।